आज की वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस चैप्टर का पहला वीडियो होगा और नीट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द, जेनेटिक्स में किसका स्टडी किया जाता है या किसको डील किया जाता है? तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को, सिमिलैरिटी को कहते हैं इनहेरिटेंस और डिसिमिलैरिटी को वेरिएशन, यानी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के स्टडी को ही क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो आंसर होगा बोथ, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर प्रोजेनी में इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड, टेंडेंसी हो कि कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से क्या हो, डिफरेंट है, तो उसको क्या कहेंगे? तो वेरिएशन कहते हैं। सिमिलैरिटी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी, लेकिन डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएशन। अगला क्वेश्चन, मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मटेरियल वाज, मेंडल का जो द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट मटेरियल के रूप में यूज किया गया था वो कौन सा था? तो यूज किए थे किसको? गार्डन पी का, गार्डन पी का। और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवा, पाइसम सटाइवा। अगला क्वेश्चन, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इन द पीरियड्स ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड क्या था? तो पहले तो याद रखना है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट का सिलेक्शन किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम होता है। पी प्लांट का सेवन कैरेक्टर का यूज किए थे, सेवन कैरेक्टर, जिसका ट्रेड अगर आप उचित ट्रेड देखें तो होता है कितना? सात और सात, यानी होता है 14। मेंडल 7 साल तक प्रयोग किए थे, 7 ईयर्स, और 7 ईयर्स कब से कब तक? तो इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था 1822 में, इसके बाद 1856 से ये 7 ईयर प्रयोग किए थे, यानी 63 तक एक्सपेरिमेंट करते रहे थे। तो ये हो गया, कौन सा आंसर होगा? 1856 से 1863। अगला क्वेश्चन, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट मैनिफेस्ट इन टू ट्रेट्स विच वर, मेंडल के द्वारा जो कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो दो ट्रेट था, जो कैसा था? अपोजिट था एक दूसरे का। जैसे अगर एक का टॉल लिए है तो दूसरे का क्या था? ड्वार्फ, इस तरह का। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट हाइब्रिड प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय मेंडल वर कॉल्ड, मेंडल के द्वारा जो फर्स्ट हाइब्रिड प्राप्त हुआ कैसे? जैसे कि एक कैपिटल टी ये है प्योर लाइन और ये स्मॉल है, जब इसको गैमेट बनाते हैं तो कैपिटल टी, इसमें गैमेट बनाते हैं स्मॉल टी, ये जो पहला इसका बेबी होगा इसी को कहते हैं F1 प्रोजेनी, और क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी टॉल आएगा, तो फर्स्ट प्रोजेनी आंसर क्या होगा? फर्स्ट प्रोजेनी। अगला क्वेश्चन, F1 प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इज ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या आएगा? हमेशा टॉल आएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज वर सेलेक्टेड मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किया गया पी प्लांट का कितना ट्रू ब्रीडिंग का वेराइटी था, कितना मेनी, कितना कैरेक्टर्स था? तो वह था कितना? 14। अगला, आउट ऑफ सेवन कॉन्टेस्टिंग ट्रेट पेयर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल, हाउ मेनी ट्रेट्स वर डोमिनेंट एंड रिसेसिव,
तो सेवन कैरेक्टर डोमिनेंट था, सेवन रेसेसिव था। अगला, एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वॉज नॉट कंसिडर बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, इसमें से कौन मेंडल के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया गया। तो मेंडल ने सात कैरेक्टर का यूज किया था। पहला था स्टेम हाइट, दूसरा था फ्लावर फ्लावर पोजीशन, तीसरा था फ्लावर कलर, चौथा था पॉड शेप, पांचवा था पॉड कलर, छठा था सीड शेप और सातवां था सीड कलर। तो इसमें से किसका यूज नहीं किया थे, ट्राइकोम्स का। अगला क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट ट्रेड्स चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पीपल, मेंडल के द्वारा सिलेक्ट किया गया कौन सा इसमें जो लिखा हुआ है ऑप्शन में वो सही है। तो मेंडल ने ग्रीन कलर पॉड को क्या किया था, डोमिनेंट चूज किया था। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेंडल ऑब्जर्वेशन विच जनरेशन ऑफ प्रोजेनी ऑलवेज रिप्रेजेंट द फीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट, तो कौन सा, F1 जनरेशन का। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल यूज द टर्म ऑफ फैक्टर फॉर, मेंडल जो है यूज किए थे फैक्टर किसके लिए, तो जीन के लिए। अगला क्वेश्चन, जीन्स विच कोड फॉर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर, जीन्स जो कोड होता है एक पेयर में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए उसको क्या बोलते हैं, एलील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्रॉस इन विच पेरेंट्स डिफर इन अ सिंगल पेयर, एक क्रॉस करा रहे हैं जिसमें पेरेंट जो है डिफरेंट है किसमें, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो कैसे, मान लीजिए कि लेंथ ले लिए, इस लेंथ में क्या है, एक जो है कैपिटल टी यानी टॉल है और एक स्मॉल टी यानी ड्वार्फ है, तो इसको बोलते हैं, इसको क्रॉस करा रहे हैं, तो इसमें क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है F1 प्रोजेनी का, तो इसको इस क्रॉस को ही किस एक कैरेक्टर को लेकर किए इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला क्वेश्चन, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन इज, तो जब F2 जनरेशन में इसका बोला जाएगा कि रेशियो बताइए जीनोटाइपिक, तो कैसा आएगा, तो जब जीनोटाइपिक निकालना हो तो इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ F1 प्रोजेनी लिया है, अब F2 प्रोजेनी की बात किया जा रहा है, तो F2 प्रोजेनी में क्या करते हैं, F2 प्रोजेनी के लिए पहले सेल्फ करवाते हैं, F1 जनरेशन को सेल्फ करवाते हैं, तो सेल्फ करवाएंगे तो क्या आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अब इसमें बोला जा रहा है किसका, जीनोटाइपिक, तो जीन कितने तरह का आया, एक इसके जैसा और कोई नहीं है, फिर दूसरा तो टू, फिर इसके जैसा कोई नहीं है तो रेसिडुअल, लेकिन अगर बोला जाता फीनोटाइपिक, बोलिए फीनोटाइपिक मतलब देखने में कितने, तो ये भी टॉल ये भी टॉल ये भी टॉल, यानी फीनोटाइपिक बोलता तो 3:1 होगा। अगला क्वेश्चन, द फीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, तो क्या होगा, 3:1। अगर जीनोटाइपिक अभी बताएं, जीनोटाइपिक बोलेगा तो ये होगा। अगला क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस इज कॉल्ड, जेनेटिक क्रॉस में जितने भी जीनोटाइप आएंगे पॉसिबल वो सबको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, पुन्नेट स्क्वायर, रेजिनॉल्ड पुन्नेट के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मेंडल परफॉर्म टेस्ट क्रॉस टू नो द, मेंडल जो टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म किए थे उसको क्या कहा जाता है, जीनोटाइप ऑफ F1। अगला क्वेश्चन, व्हेन एलील्स ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर
दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एलील प्रेजेंट है। वन ऑफ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग द क्रॉस, एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इस क्रॉस के दौरान, लेकिन अदर रिमेन्स हिडन। तो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला क्वेश्चन, द एलील्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड। तो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस, जो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको कहते हैं क्या? डोमिनेंट एलील। अगला क्वेश्चन, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सीग्रीगेशन। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सीग्रीगेशन मीन्स द दैट जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव, क्या रिसीव करता है? एनी पेयर्स ऑफ एलील, बोथ नहीं होगा, एनी पेयर, कोई एक ही होगा। अगला क्वेश्चन, द लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। मेंडल के लॉ के अनुसार क्या था कि कोई भी कैरेक्टर जब क्रॉस करा रहे हैं तो वो ब्लेंड नहीं कर रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, बट बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन एफ टू जनरेशन। एफ टू जनरेशन में दोनों कैरेक्टर आ रहा है, वन कैरेक्टर वाज एबसेंट इन एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन में एक कैरेक्टर एबसेंट था, लेकिन एफ टू जनरेशन में दोनों कैरेक्टर आ रहा है। तो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सीग्रीगेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई, एबीओ ब्लड ग्रुप का जो है वो कंट्रोल कौन से जीन से होता है? आई जीन। अगला क्वेश्चन, वेयर व्हेन देयर आर मोर देन टू एलील्स, व्हेन देयर आर मोर देन टू एलील्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा एलील कंट्रोल करता है, तो क्या कहलाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म। अगला क्वेश्चन, स्टार्च सिंथेसिस जीन इन पी प्लांट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रोड्यूसेज स्टार्च ग्रेन्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट साइज का ग्रेन साइज प्रोड्यूस करता है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ गैमेट्स परफॉर्म बाय द गैमेट जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितने टाइप का जीन दे सकता है ये? तो पहला कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, तो कितने तरह का? चार। अगला, इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कितने फैक्टर्स हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर? तो दो। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑब्जर्व इन डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो फिनोटाइपिकली कैसा होगा? तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अगर बोला जाएगा तो 9:3:3:1 होता है, लेकिन अगर जीनोटाइप पूछा जाता, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप का रेशियो होता है 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1, तो ये होता है। तो आंसर यहाँ क्या होगा? 9:3:3। ये था इस चैप्टर का पहला वीडियो। अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेंगे।